हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखने जा रहे हैं किस तरीके से हम सीएसएस को अपने एचटीएमएल पेज पे यूज कर सकते हैं। तो आज जिस सीएसएस के बारे में हम बात करेंगे उस सीएसएस नाम है इंटरनल सीएसएस, और इंटरनल सीएसएस के हेल्प से हम अपने पेज में इंटरनल सीएसएस को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इंक्लूड करते हैं, आगे वो देखेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स, मैं आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। तो आई गेस आप इस वीडियो या इस क्लास को भी बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, जैसे आप अब तक मेरे वीडियो और क्लास को एंजॉय करते आए हैं। मैं सबसे पहले अपना नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। लेट्स मी ओपन माय नोटपैड। तो जैसे मैं सीएसएस की बात कर रहा हूँ, आज मैं इंटरनल सीएसएस की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले इंटरनल सीएसएस को यूज करने के लिए हम एचटीएमएल टैग के स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि एचटीएमएल के स्ट्रक्चर में हमारा सीएसएस पेज यूज होगा। तो आइए देखते हैं। मैंने सबसे पहले एचटीएमएल लिख दिया एज इट इज, उसके बाद मैं अपना हेड टैग बनाऊंगा। हेड टैग को बनाते ही मैं उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टैग को यूज करने वाला हूँ, दैट इज कॉल्ड स्टाइल। बिकॉज अगर हमें सीएसएस पे काम करना है तो हमें स्टाइल टैग की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस स्टाइल के अंदर मैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैग जो मेरा होता है बॉडी टैग, उस बॉडी टैग के अंदर मैं पैराग्राफ टैग को यूज कर रहा हूँ, और पैराग्राफ टैग के अंदर मैं लिख रहा हूँ अपना बी ए सी के बैक जी आर ओ यू एन जी क्राउन, और दूसरा वर्ड होगा कलर। तो उसे लिंक करने के लिए माइनस का साइन लगा देंगे, कलर कोलन, कलर का नाम लेट सपोज मैंने रख दिया ऑरेंज सेमीकॉलन, और टेक्स्ट जो इसमें लिखने वाला हूं मैंने उसका कलर कर दिया ग्रीन, और मैंने अपने फॉन्ट का साइज कर दिया FONT फॉन्ट माइनस साइज इक्वल्स टू, मैंने इसका साइज कर दिया 10 pt यानी 10 font, और मैंने फॉन्ट की फैमिली को FONT फॉन्ट माइनस फैमिली को मैंने कर दिया FORTE 40। और इतना करने के बाद मैंने अपना कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिया और अपने स्टाइल टैग को क्लोज कर दिया। स्टाइल टैग को क्लोज किया है मैंने, और स्टाइल टैग को क्लोज करने के बाद व्हाट आई विल डू, आई विल क्लोज हेड टैग। सी आई क्लोज माय हेड टैग। अब मैं अपने बॉडी टैग को ओपन करूंगा, और बॉडी टैग में आपके लिए मैंने एक हेडिंग बना रहा हूँ H1। यहाँ लिखने जा रहा हूँ मैं एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल सीएसएस, और मैंने H1 टैग को क्लोज कर दिया। और H1 टैग को क्लोज करने के बाद होटल बोल दी मैं अपना P टैग अप्लाई करूंगा। यहाँ लिखूंगा दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल सीएसएस टू वॉट और मैं इसे सेव करने वाला अपने डेस्कटॉप में फाइल सेव एज, कह लीजिए मैं अपने डेस्कटॉप में सेव कर रहा हूँ इस कोड को, और इसे नाम दे देता हूँ सपोज CSS1 नाम ना देके इसको मैं दे देता हूँ इंटरनल डॉट html, और लाइक वाइज इसको मैं कर दूंगा ऑल डॉक्यूमेंट्स, ऑल फाइल्स कर दिया सेव। अब ये देखिए ये कोड सेव होते ही आपको मेरे को आपको यहाँ दिख जाएगा इंटरनल के नाम से ये रहा। अब मैं इसे ओपन कर दूंगा गूगल क्रोम पे। सी तो दिस इज द इंटरनल, और इस पैराग्राफ दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटरनल सीएसएस थ्रू पैराग्राफ टैग। यू कैन इजीली सी दिस, आप ये कोड देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से मेरे कोड में सीएसएस के हेल्प से मैंने चेंजेस किया, और ये उसका रहा आपके लिए कोड जो मैंने नोटपैड पे बनाया है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इंटरनल सीएसएस पे एग्जिस्टिंग टैग को यूज करके काम किया है। आगे भी वीडियोस में मिलते रहेंगे और बात करते रहेंगे। प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट।